4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदू पत्ता हो, चाहे वन अधिकार अधिमान्यता पत्र हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र, जो यदि किसी के पिता के पास यदि जाति प्रमाण पत्र है तो बच्चे को तत्काल वो प्रमाण पत्र देने का काम, ऐसे अनेक फैसले हम लोगों ने वनांचल में रहने वाले साथियों के लिए किया। वहीं बेरोजगारों के लिए 15,000 शिक्षकों की भर्ती के साथ अब 3,000 जो पुलिस भर्ती है उसका भी मार्ग प्रशस्त हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। साथ ही शहरी क्षेत्र में जहां गुमास्ता कानून में संशोधन किया, अब एक ही बार कराना पड़ेगा, नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। छोटे भूखंड से लेकर 30% जो कलेक्टर दर में कमी के साथ औद्योगिक क्षेत्र में फ्री होल्ड करने का फैसला, और जो शासकीय भूमि में जो 19 नवंबर 2019 के पहले जो काबिज थे उनको पट्टा देने का, और जिनको के पास पट्टा है वो नवीनीकरण के साथ साथ फ्री होल्ड करने का फैसला किया है। शहरी क्षेत्र में शासन की जो योजनाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आप देखें 12वीं तक के जो बच्चे हैं उसको मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। बहुत सारी योजनाएं हैं। खेल के क्षेत्र में खेल प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिससे यहाँ के प्रतिभाओं को देश विदेश में अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने का अवसर मिले। हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है, उपलब्धि आप सबको जानकारी है, जितना मुझे है उतना आप सबको भी जानकारी है। लगातार आपके माध्यम से प्रदेश और देश के जनता को बताने का काम हम लोग करते रहे। मैं आज ये सेवा जतन के एक साल हम लोगों ने आप सबके सामने प्रदर्शित किया। बहुत सारी चीज़ें हर विभाग से, हर मंत्री के जितने विभाग हैं उसके कार्यक्रम जो संचालित हैं उसको इस पुस्तिका में लिखा गया है। आप सबको भी इसका वितरण किया जाएगा, क्योंकि इनको बताने में बहुत समय लगेगा। एक साल की उपलब्धि को तो बहुत ज़्यादा ना समय लेते हुए आपसे अपेक्षा है, उन सबको आप दिखाएंगे भी, प्रदर्शित भी करेंगे। आपसे अब निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित हूँ। धन्यवाद। आपके शुरुआत में थे तो बड़े बड़े फैसले लिए गए आपके, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अभी नबी निकली है नौकरशाही के घर में। नौकरशाही तो आपकी पकड़ में देखो पकड़ ढीली दिख रही है, उसका कारण क्या मानते हैं? इसमें कोई ढिलाई नहीं है। देखिए, जब व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, प्रक्रिया में सरलीकरण करने के लिए लोगों की सुविधा के लिए अनेक कदम उठाए जाते हैं, तो उस मामले उस प्रक्रियागत यदि कहीं पर किसी से परेशानी हो रही है उसमें सुधार की गुंजाइश भी बनी रहती है। आपने बहुत सारे मामलों में बहुत अच्छे काम किए प्रदेश में, लेकिन कुछ मामलों में आपने समिति खेला, लेकिन उस समिति का न रिपोर्ट आ गया न उस पर कोई काम हो रहा है, तो कब होगी रिपोर्ट? कार्रवाई कब? मुझसे बहुत जल्दी अपेक्षा कर रहे हैं आप, और आपकी उम्मीदें भी बहुत अधिक है। मैं उसके लिए आप सबको साधुवाद देता हूं। लेकिन आपको याद होगा कि बहुत सारे घटनाएं हुई, आयोग बने, सारकेगुड़ा के जो आयोग है वो भी 2012 का था, 2012 की घटना है। वैसे पता नहीं कितने आयोग बने हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक की नहीं आए। पहला है जो 7 साल बाद ये रिपोर्ट जनता के सामने आया है, तो ये आप अभी तो साल भर नहीं हुआ है, हमने जो समिति गठित की है उसकी उम्मीद इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? वो भी आएगा। आपकी स्वास्थ्य योजनाओं पर रिपोर्ट सही नहीं है, अस्पतालों में लोगों को इलाज सही नहीं मिलना, कार्ड को उपयोग के लिए बहुत सारी परेशानियां। देखिए, जहाँ तक के स्वास्थ्य विभाग में भारत सरकार की जो योजना है उसमें नाम अपना देते हैं और पैसा राज्य सरकार देती है,
पाँच लाख के आयुष्मान भारत में 50,000 वो देते हैं, 4.5 लाख रुपए हम लोग देते हैं। और यहाँ तक के हम लोगों ने जो शुरुआत की है हाट बाजार क्लिनिक योजना, उसकी जबरदस्त सफलता मिल रही है। जब से शुरू किए हैं, जून में बस्तर में शुरू किए हैं, कुछ कोरबा में शुरू किए थे, लेकिन 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में लागू किए हैं और 6 लाख लोग उसका लाभ उठा चुके हैं। बड़े इलाज, तो बड़े इलाज के लिए भी पूरे देश में हमारे राज्य पहला है जहां मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना में 20 लाख तक की सहायता दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने ये कहा था कि नक्सल मसले पे हम एक बातचीत करेंगे सभी पक्षों से, उसका कोई ब्लू प्रिंट तैयार हुआ कैसे बातचीत करेंगे, किन किन तरीके से हो पाया? आपको पता ही नहीं चला, हम बात करके आ गए, बस्तर में थे और सार्वजनिक रूप से पत्रकारों से भी मैंने चर्चा की जो वहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, आप सबको पता होगा। मैंने वहाँ के व्यापारियों से बात की, वहाँ के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों से, वहाँ के जो नक्सल पीड़ित लोग हैं उनसे बात की, प्रभावित लोगों से बात की, विभिन्न समाज के लोगों से बात की, जवानों से जाके बात की। मैं वहाँ केवल जगदलपुर मुख्यालय में नहीं बल्कि सुकमा के जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर वहाँ के जवानों से बात की, सुकमा में, सुकमा से आगे भोपाल पट्टनम में जाके वहाँ के पीड़ितों से बात की। सबसे चर्चा हमने किया, एक बात के निष्कर्ष में मैं पहुँचा हूँ, वो दो बातें हमको करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात उनका विश्वास जीतना और दूसरा वहाँ के लोगों का विकास करना। व्यक्ति उतने हैं, नौजवान उतने हैं, यदि आप चाहें तो उसको हल पकड़ा दें, चाहे वो बंदूक पकड़ लें। हमने फैसला किया है उनको रोजगार दें, उनको हल पकड़ाएं, उनके छोटे छोटे जो PWD जो ठेका है उसको लोगों को दें। वहाँ हमने बस्तर में कनिष्ठ चयन बोर्ड का गठन भी किया है, 10,000 नौकरियां हैं, आने वाले समय में भर्ती वहीं से होगी ताकि बस्तर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ें, उनको रोजगार दें, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाएं। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, सुकमा जैसे जिले में 105 स्कूल हमने शुरू किए हैं, नए शुरुआत हुई। बीजापुर में 26 स्कूल शुरू किए जो बंद पड़े हुए थे, उन स्कूलों को शुरुआत की, तो वहाँ शिक्षा मित्र के रूप में भर्ती किए तो लोगों को रोजगार भी मिला, शिक्षा व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। देखिए, सीधी बात यह है कि जो अंग्रेजों के साथ है आजादी के पहले, ये उन्हीं नीतियों पे आज चल रहे हैं। उनका काम क्या था? फूट डालो, राज करो। आज भी क्या हो रहा है? विभिन्न समाज, विभिन्न धर्म के मानने वाले, विभिन्न क्षेत्र के रहने वालों के बीच में फूट डालने का काम हो रहा है, या आप सब देख रहे हैं। और ये वही ताकत है जो उनसे प्रशिक्षित हैं, उनसे प्रभावित हैं और उनका अनुसरण करते हैं, ये वो लोग। एक है ना, पूछे तो मैं जवाब दूँ। बिल्कुल सही प्रश्न है और उस दिशा में काम होगा। रुपेश जी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं 4 महीने पहले पीछे ले जाता हूँ। जून महीने पानी गिरा था? नहीं गिरा था। जुलाई के आखिरी में पानी गिरा, रोपाई का हुआ अगस्त और सितंबर महीने के प्रथम सप्ताह तक रोपाई करते रहे, फसल लेट आया, 23 अक्टूबर तक पानी गिरता रहा। इस साल जो उत्पादन है, जो धान का जो वजन है वो कम आ रहा है, उत्पादन भी प्रभावित हुआ है जहाँ लेट पानी गिरा है। तो ये
नहीं कह सकते इस साल बम्पर उत्पादन हो रहा है जो पिछले साल हुआ है, तो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन देखिए जो धान आज हो क्या गया है इतना उदालत मत होइए। और आप सवाल एक बार पूछ चुके हैं और डिबेट मत करिएगा, आपसे नहीं होगा। आपने एक सवाल पूछ लिया, बहुत सारे पत्रकार हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। एक रुपेश गुप्ता का हो गया जवाब यही है कि देखिए जो उत्पादन हुआ है प्रति एकड़ 15 क्विंटल के हिसाब से हमने खरीदने का फैसला किया है और उसमें हम कायम है। अब जो दूसरे प्रदेश से जो धान आएंगे, आपको पता है कि एक एक जिले में, जो सीमावर्ती जिला में किसी जगह 5,000 क्विंटल, किसी में 10,000 क्विंटल, कभी 15,000 क्विंटल, एक एक जिले में पकड़े जा रहे हैं जो दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे ये जो दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं वो लाखों क्विंटल के हिसाब बैठेगा और उसको रोकने की कोशिश करें। क्यों ना करें हम लोग, हम दूसरे प्रदेश के धान खपाने के लिए हम खरीदी कर रहे हैं क्या? तो रोकेंगे तो कड़ाई होगी, और कड़ाई होगी तो थोड़ी तकलीफ तो सबको होती है। जब जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो 50 साल का रिकॉर्ड मांगते हैं। क्यों? क्योंकि जो यदि आदिवासी नहीं है तो वो लाभ ना उठा ले, इसके लिए इसकी कड़ाई किया गया है नियमों में। तो आदिवासी जमीन आप खरीद बेच नहीं सकते, वो बेच नहीं सकता, कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता है। क्यों? कि आदिवासी के पास जमीन बची रहे, इसलिए कानून कड़े किए गए। तो दूसरे प्रदेश के धान यहाँ आके न बिके तो थोड़ी सी कड़ाई की गई है, और उसमें हो सकता है यहाँ के किसानों को थोड़ी बहुत परेशानी हुई होगी, लेकिन ये तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। चलिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और जीरम के मामले में अभी भी हम बहुत गंभीर हैं। और नरेंद्र मोदी जी जब धमतरी आए थे तो उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर में अपराधी सीईओ के पीछे होंगे जब हमारी सरकार आएगी। और उनकी सरकार आई तो उसके बाद क्या हुआ? एनआईए की रिपोर्ट लिपापोती की गई और कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया, न सिद्ध कर पाए। और इसीलिए हमने कहा था कि वो रिपोर्ट, एनआईए की रिपोर्ट से हम सहमत नहीं हैं, उसको हमको वापस किया जाए। साल भर में अनेक पत्राचार करने के बाद भी भारत सरकार या गृह विभाग या एनआईए उसको वापस नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि केंद्र में भी बैठे लोगों को ये पता है कि वो घटना जीरम घाटी में षड्यंत्रकारी कौन थे, आरोपी कौन थे, अपराधी कौन है, उनको पता है, इसी कारण से वो केस वापस नहीं कर रहे हैं। देखिए आप सबको पता है सारकेगुड़ा जैसे बहुत सारी घटनाएं हुई और बहुत आयोग जांच समिति बैठी है, उसकी रिपोर्ट अभी अपेक्षित है। आपसे मैं कहना चाहूंगा कि इन 5 वर्षों में 2012 घटना है, 2 कार्यकाल बीत गए रमन सिंह के, लेकिन रिपोर्ट आया नहीं। ये तो हमारे प्रयास है जो रिपोर्ट आया है, मैं इतना कह सकता हूँ। और भी रिपोर्ट वो भी आएंगे, क्योंकि सभी आयोगों को मैंने स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम अवसर है, नहीं तो इनके समयावधि बढ़ता ही रहा। ये अंतिम अवसर किए तब जाके रिपोर्ट आया है। और सारकेगुड़ा के जो निरपराध लोग मारे गए हैं नक्सली बता के, उनके साथ न्याय होगा। इसके लिए हमने विधि विभाग को से परामर्श के लिए भेजा है, जो रिपोर्ट आई उसकी कॉपी दे दिए हैं, पटल में भी विधानसभा में रख दिया गया है, और बहुत जल्दी उसमें कार्रवाई की जाएगी। सबसे प्रमुख कैसे था? सबसे घोषणा पत्र काफी देखो बोले। देखिए ऐसा है,
ये सरकार 5 साल के लिए है, घोषणा पत्र भी 5 साल के लिए है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो उन्होंने कहा था कि हम सब आदिवासियों को गाय देंगे, कितने लोगों को दे पाए? 15 साल उनको अवसर मिला। उन्होंने कहा था हर आदिवासी के एक हर परिवार को नौकरी देंगे, कितने को मिला? उन्होंने कहा था हर साल आप बोनस देंगे, कितने साल बोनस दिए? शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, कितने लोगों को दे पाए? तो आप जो कह रहे हैं, हमने कहा है कि शराबबंदी लागू करेंगे और उस बात पे कायम है, लेकिन उसका वातावरण बनाएंगे। नोटबंदी भी जो मरे हैं उसका सवाल कोई पूछ पा रहा है? कितने नोट जमा हुए कोई पूछ पा रहा है भारत सरकार से? कितने काला धन वापस आए पूछ पाए? जिसके बदौलत वो सरकार में आए, 44 जवान शहीद हुए पुलवामा में, वो कैसे वो शहादत हुई इसके बारे में कोई पूछ पा रहा है? शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन उस प्रकार से नहीं जैसे नोटबंदी करके लोगों को लाइन में खड़ा करके मार दिए। उसके बहुत सारे, मान लो अचानक लागू करते हैं दूसरा नशा शुरू हो गया, हमारे 7 राज्य जुड़े हुए हैं, वहां से शराब की खपत पहुंच होगी, उसको कैसे रोकेंगे? सामाजिक बुराई है, इसे सब मिलके एक जन जागरण अभियान चला के सबको विश्वास मिले के कोई कार्यक्रम लागू कर पाएंगे, क्योंकि शराबबंदी आसानी से नहीं हुआ, क्योंकि अनेक राज्य है जहां शराबबंदी की गई लेकिन उसको वापस करना पड़ा, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो चाहे वो हरियाणा हो, वहां असफलता कारण क्या थे उसका अध्ययन करना पड़ेगा, और जहां लागू है वहां कितना सफल है उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है, हमने उसे आमंत्रित किया, आज तक सदस्य का नाम नहीं दिए। हम तो सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं, हम तो धान के मामले में भी उनसे उनके सांसदों को पत्र लिखा, तो निमंत्रण देने का तरीका उनका ठीक नहीं था, तो किस प्रकार से निमंत्रण होना चाहिए उनको? किसानों के साथ राजनीति कर रहे हैं, ये केवल राजनीति करना चाहते हैं, ये केवल यहाँ के लोगों को केवल मतदाता समझते हैं, देश के लोगों को केवल मतदाता समझते हैं, और इसी कारण तो बांटने का काम कर रहे हैं। तो चना उत्पादक को कौन सा समर्थन मूल्य खरीद कर ली भारत सरकार? कि गन्ना उत्पादक को कौन सा समर्थन मूल्य से अधिक दे रही भारत सरकार? कि जो तिलहन उत्पादन कर रहे हैं उसे कौन सा समर्थन मूल्य में खरीद रही भारत सरकार? जो दूसरे क्षेत्र में जो उत्पादन कर रहे हैं, चाहे गेहूं कर रहे हैं या दूसरे और चीज उत्पादन कर रहे हैं, उसका कौन सा समर्थन मूल्य खरीदी कर रहे हैं? और फिर छत्तीसगढ़ में कोई जमीन से पानी उलीज के कोई धान उत्पादन नहीं कर रहा है। छत्तीसगढ़ में धान उत्पादन होता है वर्षा के कारण से, दूसरे प्रदेश के या पंजाब हरियाणा या उत्तर प्रदेश की तुलना छत्तीसगढ़ से नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ 2-2 मानसून आते हैं, वर्षा 4 महीने लगातार होता है जून से लेकर अक्टूबर तक, और जहाँ प्रशांत महासागर के भी यहाँ मानसून आता है तो वहीं बंगाल की खाड़ी भी मानसून आता है, यहाँ बंगाल की खाड़ी में थोड़ा भी हलचल होता है पानी गिरना शुरू हो जाता है छत्तीसगढ़ में। तो हम वर्षा का जल का ही उपयोग करके हमारे बरसात में कोई दूसरा फसल कैसे ले सकता है? जो किसी जो वैज्ञानिक इस प्रकार से बात करते हैं छत्तीसगढ़ में आके बात करें, मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगा, बरसात में कौन सी फसल ली जा सकती है यहाँ? और फिर भारत सरकार से हमने ये भी कहा कि हमको परमिशन दीजिए, हम इथेनॉल बनाना चाहते हैं, इथेनॉल के लिए टेंडर भी कर दिए हैं, लेकिन भारत सरकार निर्णय नहीं कर पा रही है, रेट तय कर दे, जैसे आपने शुगर जूस करके कर दिए, मोलासिस का आपने तय कर दिया, पैरा के आपने तय कर दिया, तो धान से भी आप इथेनॉल बना सकते हैं तो उसका भी रेट तय कर दीजिए, इससे विदेशी धन भी बचेगा, नए उद्योग भी खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को दाम मिलेगा।
उसका तो घर भी नहीं बेचारे का, मैं उसके गांव गया था। अब वो वहां जाता हूं तो कहते हैं कि इसको ले जाइए आप। मैंने यही कहा अकबर दास जी से कि भाई यहाँ आके आप थोड़ा सा गाली गलौज कर रहे हैं, वो ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ के लोग शांत प्रकृति होते हैं और खासकर हमारा राजनांदगांव तो हमारे संस्कारधानी है, जहाँ साहित्यकार कलाकार वहाँ रहते हैं, तो कम से कम हमारे छत्तीसगढ़ को बदनाम मत करिए। पहले सबको कोशिश कर रहे हैं, सब मजबूत होगा छत्तीसगढ़। अब सब लोग रिपीट कर रहे हो, अच्छा मोहन को अवसर दिया जाता है, बैठिए मोहन को अवसर। जितने NH है, आप सब पत्रकार हैं, आप देख भी रहे हैं, भारत सरकार की जिम्मेदारी है राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की। छत्तीसगढ़ में कहीं भी राष्ट्रीय राजमार्ग बनते हुए दिखाई दे रहा है आपको? एक जगह भी पूरे छत्तीसगढ़ में कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग था कहीं बन रहा है, बनते हुए दिखाई दे रहा है? तो इनके दावे वैसे खोखले हैं। मुझे दे दीजिए, मैं जानकारी लेता हूँ सारे बैंकों के। देखिए हमने तो न केवल कोऑपरेटिव बैंक के, न केवल ग्रामीण बैंक के, बल्कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी ऋण माफी किया। जो डिफॉल्टर थे उनका भी माफ कर रहे हैं, लेकिन जो डिफॉल्टर है उसको बैंक से निगोशिएट कर रहे हैं। और जहां इस प्रकार की समस्या आ रही है, बहुत सारे बैंक है जो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग नहीं कर पाए, इस कारण से हम राशि नहीं दे पाए। तो वो फैसला कर ले, हम वो राशि दे देंगे, हमारे पास अभी भी पैसा रखा हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अब ये है कि शहरी जन घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है, नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं और उसको जारी किया जा रहा है। बिल्कुल पिछले साल तो नहीं हुआ सर, नया फोटो सेशन करना पड़ेगा। इसमें घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भाई श्री डहरिया जी हैं और मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। बैठे महाराज माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगणों के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। साल भर में जितनी घोषणाएं होती है, अधिकांश घोषणाएं वादों को पूरा किया गया है और हमारे नगरीय निकाय की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया गया है। और हमारे नगरीय निकाय में जो मूलभूत सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण मिले और नगर निकाय में रहने वाले लोगों को रोजगार मिले और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, इसके लिए हमारे चुनाव घोषणा पत्र में बहुत सारे जानकारी दी गई है जो आप सबके मार्ग में है। हम इसमें इंदिरा गांधी हरित अभियान के तहत वृक्षारोपण, शहरी बाड़ी
विकास योजना और आर्थिक जीवन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का भी काम करेंगे और शहरी क्षेत्रों में जवाहर जीव योजना के माध्यम से सर्वसुविधायुक्त जीव की स्थापनाएं। तो लाइव तस्वीर हमने आपको दिखाई जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। एक साल का जो कार्यकाल रहा है, जो भी काम उनकी सरकार ने किया।